BSKY कार्ड बा विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कार्ड रोगी मानक क्षेत्र रे सठिक भाव रे पहुंचि पारुचि त रोगी माने एहार सठिक बेनिफिट पाउछंती त जहाँ को लेकरी आज एक सांबादिक सम्मेलन करा जायछि ऑल ओडिशा प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट्स फोरम तरफ आम पूरा पूरी आलोचना करवा आम सहित प्राइवेट डॉक्टर मैंने अच्छा आगे प्रेसिडेंट सहित आलोचना करवा सर स्वागत करुच्छे सर वास्तव में BSKY कार्ड बेनिफिशियरी मैंने पाँच तो कार्ड तो जोगेबा हूँ सरकार काम जो मैंने पाई आम स्वास्थ्य जोगेबा आम काम तेब ए जो विगत चारिमास धरी स्कीमटा चली कौन कौन असुविधा फेस करुचु तापाई गोटे तथ्यगत एवं आलोचना गोटे गभीर भाव में आलोचना एटा करागला आज सभार तेणु जो कतु जिनस बाहर से आम जो सारांश तार हो प्रथम कथा हूँ आपण मैने समस्त को जदि स्वास्थ्य सेवा निरंतर जोगाई देवा चाहूंता यही मॉडिफाई करिया को पड़ो जमी से समस्त को सुहाइब यही सुहाइबा प्रस्तुतिटा आम जो मैंने एत दिन धरी हॉस्पिटल चलेलुँ ताकू ओपिनियन नवाटा उचित गोटे पेसेंट आसला सीधा सड़क आप किसी समय पूर्व सांबादिक सम्मेलन सूचना देते हैं प्रथम सीडीएम पाखुक अवस्था तो क्रिटिकल हो पड़ी बास से जो रेफरल सिस्टम अच्छी से आम आलोचना अंतर्भुक्त थिला जे केतोटी एमती रोग ताकु तालिकाभुक्त कर सीधा सड़क कौन प्राइवेट हॉस्पिटल को आसी पार ना मुझे गोटे कथा कही रखे ओडिशा रे एवं सारा देश रे प्राइवेट प्लेयर मैंने बेसी संख्या रे रोगी चिकित्सा कर सर्वजन विदित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकर्ड अच्छी मिनिमम 60% अर्बन एरिया रे हेल्थ केयर केवल प्राइवेट संस्था दौंस तेणु एटा जिते बड़े अच्छी आम पाक जो रोगीटे चली आसूँ आम तो चिकित्सा करना कहीं सी गोटे रेफरल तालिकार रही से आम तक पठाइक बाध्य करुच्छे आप गए रेफरल नहीं कि आस से बहुमूल्यवान समय तो नष्ट केवल ता नुहे रोगी को आम पुणी गोटे रिस्क आडिशनल दे दूच आम आलोचना कर संपादक अच्छे आज्ञा के टाँग वास्तव में आसूसी जन पुरुषों पर महिला टाँचा सठिक भाव में कार्यकारी हो पार जमी आप कहते गोटे आपेडिक्स जब अपरेसन कराए तो 15,000 टाँग खर्च हे तो ओभरअल जो 5,00,000 टाँग आसूसी वास्तव में आप टाँग पहुँचुची तो 5,00,000 टकर मूल्य कि आम जानु 5 कि 10 अच्छी कि गोटे रोगप पैसा फिक्स अच्छी गोटे लोकर हाइड्रोसिल किंबा हिस्टेरेक्टोमी हम तार अमाउंटा फिक्स अच्छी से सरकारी हॉस्पिटल हेले से टंका तो किछि नुए केवल प्राइवेट हॉस्पिटल को आसिले आमे जदि कोटे केस को अपेंडिक्स आमर केस करिया को 30,000 कि 40,000 टंका पड़ुछि लैप अपेंडिसेक्टोमी तांकर से 15,000 टंका मोटे दौछन्ती तार भीतर भी बहुत रेस्ट्रिक्शन अछि ए ऑपरेशन फोटो उठिबो ताकु जोगी कि तांकर स्वास्थ्य साथी रहिबे ए सबु सत्वे से 15,000 टंका मिलू ता भी आमको राइट 30 डेज भितर मिलून पाखापाखी आम कही पार जो रेस्ट फोर फोर मंथस कि 5 मंथस कत खे पेंडिंग रही ना नहीं एवं 3-4 मास बहुत बहुत इनसीशन बाकी अच्छी ये चार लक्ष 5 लक्ष 10 लक्ष कौन ये गुड़ाक आम काल्कुलेट करम हिसाब को आसवन से निश्चित आम आलोचना करवा सर कौन कहे पाखापाखि केते टाँग खंडे पेंडिंग अच्छे सरकार तरफ कारण आपने निरंतर सेवा जोगाती गोटे लोकर जब सेमती किसी इमरजेन्सी है प्रथम से सरकारी हस्पिटाल को जीवा परिवर्तन प्राइवेट क्लिनिक को प्रथम आसती पाखापाखि केते टाँग खंडे सरकार तरफ आपको पेंडिंग रही है देखो आगुरी तो थिला RSBI BKKY यही तो प्राय 30 कोटी 50 कोटी खंडे थिला सेटा आ मिलिवार चांस भी आम कौन संधान पाऊन द्वितीय है जो BSKY होती किसी गुड़ाक पैसा देवी बोली जी 7 दिन कि 15 दिन में कहते कि जिनसटा को से करना नियम नियम 7 डेज भितर देवा कथा मैं मैक्स 30 डेज कि एवं कार्यकारी होना कहीं एमाने भितर कोरी क्वेश्चन मार्क कर दूसरी देखो आपणकर तो अथराइजेसन दे अथराइजेसन पर आप गोटे स्वास्थ्य मित्र भी सीटे जा पेसेंट सहित कथबार्ता करी तार भी सी फोटो उठेकर आपन को अपलोड कला तापर आउ थे प्री अथराइजेसन अथराइजेसन स्वास्थ्य मित्र सबकि कलापर आपड़ कौट असुविधा रहा आज पैसा रोका हो कहीं जो दिन आप डिस्चार्ज दुखाऊँच तार दिन 3 दिन भितर पैसा मैंने काटदे कथा बैंक्रु कि सेटा करूना फेर से आउे क्वेश्चन मार्क जोटा कहले स्टिल फोटो ये फोटो बाद भी आप रोगी सेवा करने को प्रस्तुत निश्चित भाव में आम गोटे सुस्थ समाज गढ़ापी आज डाक्तर समाज कौन आम आसोसीएसन अफ जो प्राइवेट मेडिकल एस्टाब्लिशमेंट फोरम रे समस्ते आगे आ सरकार को साय करने
କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ଆମର କୌଣସି ପରାମର୍ଶରେ ଆମକୁ ଏମିତି କ୍ଲମ୍ଜିରେ ପୁରା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନା ଆମେ ପଇସା ପାଉଛୁ, ନା ରେଫରାଲ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛି ସେ ରେଫରାଲଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ରିଜର୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ରିଜର୍ଭ କରିଦେଲେ ସେମାନେ। ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗୋଟେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ବୈଠକ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଦାବି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ? ଆଜିର ବୈଠକରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ଦେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆମେ 60% 70% କରୁଛୁ, ଆମ ଆସୋସିଏସନରୁ ଥ୍ରୁରୁ ଆମ ନେଲେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ସୁବିଧାପ୍ରଦ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଉନ୍ନତି କଲେ। ଆଲୋଚନା କେତେ ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର? ଆମ ବିଲକୁଲ ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ, ଆମକୁ ସେଇ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଘର ଯଦି ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁ, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଘର ନ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋରମ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ତ ଆମର ଆଜି ଦାବି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବନାଉଛନ୍ତି କି ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ବେଟର ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିଛି ଯେ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ 20% ବେଡ୍ ରିଜର୍ଭ କଲେ, ସେମିତି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ତାଙ୍କ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଫିକ୍ସଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ ଏତିକି ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ 10 ବେଡ୍ କି 15 ବେଡ୍ କି 15% 20% ବେଡ୍ ଫିକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ଭଲ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। BSKY କାର୍ଡ କେତେ ଦୂର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ହେଉଛି ତାହା ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। E24ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମିଶ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ନଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁରୀ କଥା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କହିବା, କାରଣ ଆପଣ ତ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁନାମ ରହୁଛି, ଲାକୁନା କେଉଁଠି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଫେଡ଼ପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯାହା ବି ଆମର ଯେକୌଣସି ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ସେ କେବେ ବି ଆମ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ର କରାଯାଉନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 60-75% ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଛୁ, 25% ଓନ୍ଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି, ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ 75% ଲୋଡ଼ ନେଉଛନ୍ତି। BSKY କାର୍ଡ ବେନିଫିସିଆରି ମାନେ ଓନ୍ଲି ପ୍ରାଇଭେଟରେ ପାଇବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପାଇବେ? ସରକାର ବେସରକାରୀ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ପାଇବେ, ବେଶୀ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର, ଲୋକ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଗ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଡଟେ ପାଇଲେ, ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଡରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବି, ମୋର OT ଭଲ ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସରକାରଙ୍କର କାହିଁକି ସରକାର ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ଅନୁଦାନ ପାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏମ୍ପାନେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାପାବିଲିଟି ଯୋଗୁଁ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଚେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ BSKY କାର୍ଡ କାମ କରୁଛି କି? ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ CDMO ପାଖକୁ ରେଫରାଲ କରିବା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇପାରେ? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି, ଆଜି ବି ଆମେ ସେଇଟା ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକ କମନ୍ଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାନିଆ ହେବ, ଗୋଟେ ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ହେବ, କି ଗଲବ୍ଲାଡର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ, କି ହିଷ୍ଟୋଟୋମି ହେବ, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କମନ୍ ପ୍ରୋସିଜର, ଏଇ କମନ୍ ପ୍ରୋସିଜର ଯେଉଁଟା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ନିମାପଡ଼ା ହେଉ, କାକଟପୁର ହେଉ, ସେ ପୁରୀ CDMO ଅଫିସ୍ କି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲେଖିବେ ଯେ ଆମର ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଇ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ସିଏ କରିପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ବି ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରିସ୍କ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ମେଡିସିନ୍ ଦରକାର, ଭଲ ସର୍ଜନ ଦରକାର, ଭଲ ବେଡ୍ ଦରକାର ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କହିବାନି, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ରିଜର୍ଭଟା ଟୋଟାଲି ଉଠାଯାଉ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ୍ ରେଟ୍ର ମିନିମମ୍ 35% 40% ଆଧାରରେ ଏନ୍ହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବପର କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଇ ପାଖାପାଖି ପେଣ୍ଡିଂ ରାଜେଶ ଭାଇନା, ପେଣ୍ଡିଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି? କାରଣ ଯେଉଁଭଳି କହୁଥିଲେ 7-7 days ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସିଏ
ओडिशा सरकार को समस्त पैसा दे से स्कीम तीन वर्ष होगा बंद हो गला कि पैसा पर्टिकुलरली आप पूरी यूनिट विषय पूछते पूरी रे सर्वाधिक 8 कोटी टंका आपंकर खोर्धा जिला जो मैक्सिमम हॉस्पिटल अच्छी 17 कोटी टंका ये दुईट डिस्ट्रिक्ट 25 कोटी टाँग आज 3 वर्ष होगा से क्लीयर कर पार ना बारंबार आम एनएचएम मिशन डायरेक्टर पाखे आम बारंबार नवेदन कर लिखित प्रतिश्रुति देर्यंत भी से विषय में कर्णपात करोपरली पर पेसेंट को जो 5 लाख आसा कथा से 5 लाख आपको भूल यहाँ गोटे भूल जिन लोक धारणा दि जाइए पर पेसेंट को 5 लक्ष टा पर्यंत से कर गोटे वर्ष किंतु प्रतिटी गोटे पर 5 लक्ष टा पर्यटन करपु सब जिन 1200 सी पैकेज कर गल ब्लाडर पर मैक्सीम 18 हजार टाँग खर्च कर गोटे डेलीवरी 15 हजार टाँग खर्च कर सी वर्षक जदि तार 10 थर रोग हुए तो आडिशन हो 5 लक्ष पर्यटन करूँ ता बोले नुहजे से गोटे रोगपाई जहाँ सी 25 दिन रही 5 लक्ष टा तार खर्च कर शेष प्रतिक्रिया ना सुब्रत जेना सहित अच्छा अश्विनी हस्पिटाल डायरेक्टर सर अनुरोध करें सरकार को कारण आपण मैंने जो भाई भाव निरंतर सेवा जोगाऊँच गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू भी फार बेटर आप हॉस्पिटल रोच लोक मैंने बेस प्रिफर करते तो सरकार को आपंकर जो प्रॉब्लम रही जो 4-5 टी दिग पर आज आप आलोचना कले स्पेसीफिक कौन रही संक्षेप में आम जानवाक चाहिए केते गोटे विभाग में जहाँ पैकेज प्राइस अच्छी से संभवपर नुत क्वालिटी मेडिकल केयर दवा ताको निश्चय वृद्धि करिया दरकार द्वितीय कथा है जो रेफरल सिस्टम अच्छी केतकांश आमको ये उठेदेव को पड़ो जमी रोगी आसला मात्रे डायरेक्टली आसी चिकित्सा नहीं पारे कार्ड धरिके तृतीय कथा हूँ टाइमली पेमेंट चतुर्थ कथा हूँ देखो बर्तमान 200 हॉस्पिटल को नियाजाई आम कतोटी हॉस्पिटल लोकर टे बेस आस्था से भर्ती हो जाए तेणु ताधेरे आम सब लोक तो आकोमोडेट करानी कौट छोट बेड हॉस्पिटल अच्छी तेणु गोटे लोकंर दाबी रही आम पाखे कार्ड अच्छी तेणु गोटे फिक्स्ड नंबर ऑफ बेड्स मुझे भावुची दबा को पड़ो सब हॉस्पिटल को आप रिजर्व रखिए कैपासीटी रखा पड़ो एवं से कैपासीटी साना साना हॉस्पिटल मैंने जो मैंने मन कर 15 बेड अच्छी से 10 रिजर्व रखिए जदि से 10 बेड को पेसेंट न आसिले से अलग रोग रखिपारे सी सिस्टम तो कले असुविधा पड़ो तेनाली कि गोटे दबा को पड़ो जमी कोविड बेले दि जाऊला सेमती गोटे दबा को पड़ो कि पैसा जे आपण मान 15 बेड आम रिजर्व कलु ए 15 पेसेंट रखिपारे 15 पेसेंट 10 पेसेंट हेले भी आम रिजर्व कर रखू आप पैसा दे शेष प्रश्न मोर पाखापाखि केतटा मैंने पेंडिंग रही सरकार तरफ कारण निरंतर सेवा कोरोना भाई महामारी समय जोगेवा निश्चित स्वागत योग्य निहत भाव धन्यवाद पात्र आप सरकार गुरु दायित्व रही पूरा पूरी पेमेंट क्लीयर करवा देखु जिते सरकारी स्कीम हेल्थ स्कीम आम पशिचु यहाँ गोटे निराट सत्य जे केबे हेले टाइमली पेमेंट हो पारे ना एवं बहुत कारण गोटे छोट कागज ना बोली डेफर हो जाए जो मैंने हाई वॉल्यूम पेशेंट ट्रीटमेंट करूँ यहाँ भाव्या कथा जे एमने निजस्व आ कि सोर्स ना जे से आउ गोटे कौन संस्था अच्छे जो पैसा अच्छे देदेवे आम प्रतिमास 5 तारीख भितर दरमा देवा पड़ो आम सरकारी देय सब पैठ कराया पड़ो आमको पॉल्यूशन कंट्रोल जो मेकानिजम अच्छे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या जानवाक चाहिए मंथली सैलरी क्लियर ना विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना उपर जो पेंडिंग रही है सही पेंडिंग रही है नहीं मंथली देखु आम जो मैंने बेसिमती आम अश्विनी हस्पिटाल 4 मस 500 रु ऊर्ध पेसेंट ट्रिटमेंट कर सारू सब पैसा आसी पारि ना कि पैसा आसा बीएसके कहीं जो प्रोसेसिंग टाइम अच्छे से तो त्वरान्वित करने को पड़ो एमओयू भितर अच्छी 1 मंथ भितर 30 दिन भितर पैठ हो पैठ हो पार नहीं प्रथम भी किसी बाकी अच्छे सब क्लीयर हो पार ना से तुम हठात कही पारि ना कि बाकी रोचे फर सियोर मोर कह कथा हूँ 30 दिन यहीपाई कराई 30 दिन पर जो मसिक आम सब खर्च पैठ करूँ एवं पेशेंट जो आम स्टाफ सैलरी देव से आम पाखे समस्त अर्थ पहुँची दरकार निश्चित ये ही गोटे जस्टिफाइड पॉइंट बोली कही पारिबा किंतु बड़ दिग रहुची बड़ आलोचना रहुची एठारे जो विजु स्वास्थ्य
कल्याण योजना रे जो बेनिफिशियरी माने अछन्ति से माने सीधा सळ किभळी भाबे प्राइवेट डॉक्टर्स मानन पाखु आसीबे रेफरल किभळी भाबे न करा जीव कारण आपण देखंतु जो भळी भाबे डॉक्टर्स माने एठी आलोचना करथिले सीधा सळ प्रथमे रोगीटी सीडीएम पाखु जीव तांको ठारु रेफरल पाइला पर एमानन पाखु आसीबो बा प्राइवेट डॉक्टर्स मानन पाखु आसीबो से सिस्टम टाको बंद करबाकु सीधा सळ दाबी करछथि एवं सरकारक सहित ओटा विस्तृत आलोचना करिवार आवश्यक रहिछ एवं सरकारकर मध्य नैतिकता दृष्टिर मध्य आलोचना करिवार आवश्यक रहिछ तबे देखा जाउ प्राइवेट डॉक्टर्स मानक डिमांड केते दूर फुलफिल होउछि एवं बीएसकेवाई रे जो माने बेनिफिशियरी से के दूर बेनिफिट पाँच पूरी रू वीडियो जन सनातन आलोक आशुतोष अर्गस न्यूज।